नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रितिका शर्मा और आप देख रहे हैं सिंध भारत। आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम इतिहास के पन्ने में। आज हम चर्चा करेंगे 29 नवंबर के इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जो हमारे इतिहास के पन्ने में दर्ज है। इस दिन दुनिया भर में कई ऐसी घटनाएं हुई है जो आज भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश और दुनिया में 29 नवंबर का इतिहास कई महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी है और कई महत्वपूर्ण घटनाएं इतिहास के पन्ने में हमेशा के लिए दर्ज हो गई है। 29 नवंबर 1947, फिलिस्तीन के बंटवारे के लिए संयुक्त राष्ट्र ने प्रस्ताव पारित किया, हालांकि इसे लागू नहीं किया गया। आपको बता दें कि 29 नवंबर 1947 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने फिलिस्तीन के बंटवारे के लिए प्रस्ताव 181 को पारित किया था। इस प्रस्ताव को विभाजन प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रस्ताव के तहत फिलिस्तीन को यहूदी और अरब राज्यों में बांटने का फैसला किया गया था। साथ ही यरूशलेम को भी संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण में रखने का भी फैसला लिया गया था। हालांकि फिलिस्तीनियों ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इसके बाद गृह युद्ध हुआ और ब्रिटिश शासन का अंत हो गया। 29 नवंबर 1961, दुनिया के पहले अंतरिक्ष यात्री रूस के यूरी गगारिन भारत की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। 29 नवंबर 1961 को दुनिया के पहले अंतरिक्ष यात्री रूस के यूरी गगारिन भारत की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे थे। गगारिन का भारत में भव्य स्वागत किया गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपने आवास 3 मूर्ति भवन में गगारिन और उनकी पत्नी वैलेंटीना गोरीचेवा की मेजबानी की थी। 29 नवंबर 1975, ब्रिटेन के मोटर रेसिंग के महानतम ड्राइवर ग्राहम हिल दक्षिण पूर्व इंग्लैंड में एक विमान दुर्घटना में मारे गए। आपको बता दें कि 29 नवंबर 1975 को पूर्व फॉर्मूला 1 चैंपियन और एम्बेसी हिल टीम के मालिक ग्राहम हिल की मृत्यु हो गई जब वह पाइपर एजेंट लाइट एयरक्राफ्ट उड़ा रहे थे जो इंग्लैंड के बार्नेट के लंदन बरो में अर्कले के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया जबकि वह एलिस्ट्री एयरफील्ड के पास जा रहा था। 29 नवंबर 1993, आधुनिक भारत को अपने औद्योगिक कौशल में समृद्ध बनाने वाले उद्योगपतियों में शुमार जेआरडी टाटा का निधन हो गया। आपको बता दें कि जेआर टाटा का जन्म 29 जुलाई को हुआ था, वहीं उनकी मृत्यु 29 नवंबर 1993 जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुई थी। एक भारतीय व्यवसायी और विमानन अग्रणी थे जिन्होंने भारत की पहली एयरलाइन बनाई और भारत के सबसे बड़े औद्योगिक साम्राज्य टाटा समूह के नाटकीय विस्तार की देखरेख की। 29 नवंबर 2008, कई घंटे के अभियान के बाद मुंबई को आतंकवादियों से मुक्त कराया गया। आपको बता दें 29 नवंबर 2008 को भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो चलाकर मुंबई को आतंकवादियों से मुक्त कराया था। इस ऑपरेशन के तहत ताज होटल में बचे हुए आखिरी हमलावर को मार गिराया गया था। इस तरह 26 नवंबर 2008 को शुरू हुए मुंबई हमले को खत्म हो गए थे। 29 नवंबर 2012, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने फिलिस्तीन को गैर सदस्य पर्यवेशक का दर्जा दिया। 29 नवंबर 2012 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने फिलिस्तीन को गैर सदस्य पर्यवेशक राज्य का दर्जा दिया था। इस प्रस्ताव को 138 वोटों से पारित किया गया था जबकि 9 वोट विपक्ष में आए थे। 41 वोटों के साथ मतदान में अनुपस्थिति रही थी। तो दोस्तों, 29 नवंबर का दिन भी ऐतिहासिक घटनाओं का गवाह रहा है जो ना केवल अपने समय में महत्वपूर्ण थी बल्कि आधुनिक समय में भी उनके प्रभाव को महसूस किया जाता है। ये घटनाएं हमें सिखाती है कि इतिहास की गहराई में ऐसे अनगिनत पल छिपे होते हैं जो हमारे वर्तमान और भविष्य को आकार देते हैं। फिलहाल इतिहास के पन्नों में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन भारत।